तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी की पांच आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही काम की टिप्स है। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी यूज करते हो डेफिनेटली ये वाली टिप्स आपके बहुत काम के आने वाली है। तो दोस्तों वीडियो बस के मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरो और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि उन्होंने बताया, मैं आपको पांच टिप्स बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी के। तो सबसे पहले जो टिप है वो गैलरी के ऊपर है। दोस्तों आपने देखा होगा, आप यहाँ गैलरी में जाएंगे तो आपको एक स्टोरी वाला सेक्शन मिलता है, पर यहाँ पर वो फोटोज आ जाती हैं जिनको आप नहीं चाहते कि यार ये फोटोज यहाँ पर दिखनी चाहिए, पर वो यहाँ पर आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि वो फोटो आपको यहाँ नहीं दिखे तो आप उसको हाइड कर सकते हैं। कैसे? ताकि ऑटोमेटिकली उसकी कोलाज वहाँ बने नहीं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ बैक आना है, यहाँ पर आके आपको थ्री डॉट्स पे जाना है, यहाँ सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ ऊपर जाएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा हाइड कंटेंट, स्टोरी के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा हाइड कंटेंट, या फिर अगर आप चाहें तो ऑटो क्रिएट स्टोरी को ऑफ भी कर सकते हैं। बट अगर आप ऑटो क्रिएट स्टोरी को ऑफ नहीं करना चाहते, सिर्फ कंटेंट को ऑफ करना चाहते हैं, ताकि मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन की या पर्टिकुलर कोई भी चीज की वहां पर उसकी स्टोरी क्रिएट ना हो ऑटो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर हाइड कंटेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही हाइड कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर एक डेट डाल सकते हैं कि यार भाई मैंने जो 1 तारीख को फोटो खींची थी, या फिर मैंने और जो पहले की फोटोज हैं यार वो मैंने जो खींची थी, और एंड टाइम यहां तक है कि फरवरी में जो भी मैंने फोटोज खींची हैं तो उसका कोई भी वहां पर वो बने नहीं, मतलब कि उसका कोई भी क्रिएट स्टोरी ना हो, तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कोई पीपल्स के नाम से भी तो भी आप कर सकते हैं, मतलब डेट तो और भी डाल सकते हैं यहाँ पर, जितनी भी डेट है आप यहाँ पर डाल सकते हैं ताकि उसकी क्रिएट ना हो। होता है यार, हम बहुत सारी फोटोज तो खींच लेते हैं, कोई भी साथ में होता है कोई फ्रेंड या कोई भी फैमिली मेम्बर, बट उनकी भी वहाँ पर एक स्टोरी क्रिएट हो जाती है। हम नहीं चाहते कि यार उनकी स्टोरी क्रिएट हो, तो आप यहाँ से उसको हटा सकते हैं। और यहाँ पर ऐड पीपल से भी कर सकते हैं, आप पीपल में आके नाम दे रखे हो तो आप पीपल सेलेक्ट करके भी यहाँ पर कर सकते हैं। मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, बट यहाँ पर आपको सारे पीपल्स मिल जाएंगे, उस पीपल्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए और उनके भी आपको वहां पर फोटोज, वहां पर स्टोरी आपको नहीं दिखाई देगी। तो सबसे पहला जो टिप था वो यही था, मुझे तो बहुत पसंद है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड टिप बताने वाला हूं वो है कैमरे को लेके। दोस्तों अगर आप कैमरे पे, आपने देखा हो कभी बस शूट के आपने करा है बस शूट, जैसे कि मैं देख रहा हूँ मैंने कैमरे को ऑन कर लिया, और आपने अगर कभी बस शूट करा हो तो आप देखेंगे यहाँ पर यूं करके 30 फोटोज क्लिक हो जाती है। आप देख रहे होंगे 30 फोटो क्लिक हो चुकी है, पर आप यहाँ पर आके देखेंगे तो ये मैंने उसको एक GIF में कन्वर्ट कर किया है। तो आप भी इसको GIF में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, मैं पहले बताता हूँ पहले क्या होता था। यहाँ सेटिंग पे जाऊँगा, यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैंने इस पर कर दिया। तो अब मैं यहाँ पर एक बर्ड शूट लेता हूँ आपके सामने। तो थोड़ा सा ये मैंने यहाँ पर ये बर्ड शूट ऐसा सब घुमा फिर आके एक बर्ड शूट ले लिया 30s का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा तो आप देखेंगे अब मुझे यहाँ पर 30s फोटोज दिख रही हैं, आप देख रहे होंगे। अब मैं इसलिए यहाँ पर क्या करना है, रेस्क्यू जाऊँगा तो मुझे एक एक करके ऐसा फोटोज को दिखना पड़ेगा, तो जाके वो 30s फोटोज दिखेंगी। बट आप इसको यहाँ पर डायरेक्टली GIF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो सिंपली आपको यहाँ सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ टेक्स्ट बस में जाना है और क्रिएट GIF में क्लिक कर देना है। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पर एक ऐसे ही जैसे मैंने पहले बनाया था वैसे ही यूँ रिकॉर्डिंग करके वीडियो सी एक नॉर्मल सा मैंने एक सब बना लिया। तो आप देखेंगे अब ये GIF के फॉर्म में आपको दिखने वाला है, ऑटोमेटिक चल रहा है, आप देख रहे होंगे ये GIF के फॉर्म में दिखने वाला है। तो ये फीचर भी मुझे बहुत मस्त लगता है, बहुत काम का चीज़ है। हमें कोई फटाक से कोई GIF बनाया होती छोटी सी वीडियो टाइप की, तो आप इसको ऐसा बना के भेज सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड बताने वाला हूँ वो है ऐप ड्रॉवर को लेके। दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पर आप सैमसंग गैलेक्सी में ऐप ड्रॉवर करते हैं तो वो आपको यहाँ पर मिलता है हॉरिजेंटल में, आपको देख रहे होंगे हॉरिजेंटल। अब इसको आप वर्टिकल में भी कर सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर गुडलक ऐप में। गुडलक ऐप में जाने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ जाना है आपको होम अप वाले मॉड्यूल पे। होम अप मॉड्यूल पे जाने के बाद आपको जाना है होम अप पे, और यहाँ पर मिलेगा आपको ऐप लिस्ट वाला स्टाइल, आपको उस पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर उसको आपने मॉडिफाई कर दिया, अब देखेंगे अभी आपको ऐसे की तरफ मिलने वाला है। ऊपर आपको प्योरिटी वाली और रिसेंट वाली ऐप्स मिलेंगी, और नीचे आपको सारी ऐप्स मिल जाएंगी, जो कि बहुत अच्छा लगता है और वो फाइंड करने में बहुत इजी होता है। तो ये भी मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें से आपको पहले कौन सा पता था और कौन सा आपको सबसे बेस्ट लगा। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ बताने वाला हूँ वो भी बहुत यूजफुल है, बट थोड़ा यूजफुल कम है क्योंकि यार आजकल जमाने में मैसेज कौन करता है, बट फिर भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो टिप, वो है मैसेज से रिलेटेड।
तो जो फोर्थ बताने वाला हूँ वो है सैमसंग मैसेज को लेके, या फिर सैमसंग मैसेज या मैसेज को लेके। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी का कोई से भी मॉडल यूज़ कर रहे होंगे तो अभी लेटेस्ट में तो आपको यहाँ पर गूगल मैसेज मिल रहा है, अगर आप पहले वाला भी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आपको सैमसंग मैसेज मिल रहा है। ये जो मैं फीचर बताऊंगा दोनों में आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ मैसेज पे और मैंने यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर लिया। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर ऐसे कोई सा भी नंबर डाल दिया और मैं यहाँ पर आ गया मैसेज पे। अब काम की बात है यहाँ पर मैसेज पे। मैसेज में क्या होगा, अब मुझे लाइक किसी को हैप्पी बर्थडे विश करना है या कोई भी मुझे काम करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हैप्पी बर्थडे भाई, ठीक है। अब मुझे ये विश करना पर्टिकुलर डेट पे, बर्थडे आज तो है नहीं, तो आप यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हैं। कैसे, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ प्लस पे जाना है। अब यहाँ पर आपको मिलेगा शेड्यूल सेंड का ऑप्शन, आपको दिख रहा होगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको गूगल मैसेज पे, ये आपको सैमसंग मैसेंजर पे ही मिल जाएगा, वो आगे आपको मैं बता दूंगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे गूगल मैसेज पे बाय डिफॉल्ट आपको बता देगा टुमारो भेजना है, टुमारो 1 बजे भेजना है, टुमारो 6 बजे भेजना है, या सिलेक्ट डेट एंड टाइम। आपको अगर इसमें से कोई भेजना है तो हम डेट सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप सिलेक्ट डेट एंड टाइम कर सकते हैं। लाइक मुझे 10 तारीख को भेजना है 8 बजे और मैंने नेक्स्ट करा और उसको सेव कर दिया। तो अब यही शेड्यूल हो गया है, आप देखेंगे ऊपर दिख भी रहा होगा फ्राइडे को शेड्यूल हो गया है, 10 जून को 8 बजे ये सेंड हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये फीचर भी बहुत कमाल का है। अब मैं आपको इसको आपके मैसेंजर में ही बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर मैसेज खोल लेता हूँ वाली ऐप, तो आप देख सकते हैं ये सैमसंग मैसेज ऐप खोल लिए मैंने। यहाँ पर भी आपको शेड्यूल मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप इजीली ऐसे यू ट्रैक करके यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत काम का फीचर है। उसके बाद दोस्तों लास्ट बताने वाला हूँ, ये लास्ट हो सकता है आपको पता हो, बहुत सारे लोगों को पता ही है, फिर भी मैं बताने वाला हूँ, वो है टॉर्च को लेके। तो आप यहाँ पर टॉर्च की है ना जो ब्राइटनेस है आप उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो उसके लिए आपको यहाँ नोटिफिकेशन पैनल में या बोल सकते हैं क्विक टॉगल में आना है। यहाँ पर आपको अपनी टॉर्च लाइट को देख लेना है जहाँ पर टॉर्च है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कहाँ है टॉर्च, तो ये टॉर्च पर है, ये मैंने टॉर्च पर क्लिक कर दिया, आपको दिख रहा होगा पीछे की तरफ ये लाइट आपको दिख रही होगी। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा यहाँ पर टॉर्च जहाँ लिखा है इस पर, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ब्राइटनेस तेज करने का और ये कम करने का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आप दिख रहे होंगे, ये बहुत अच्छे से ये काम करता है। तो ये फीचर भी बहुत काम का है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना तो ना भूलो यार, और थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों वीडियो कुछ कमी तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे चैनल को देखते तो बहुत सारे लोग हैं, 98% लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल की वीडियोस को तो जरूर देखते हैं बट मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ। तो प्लीज यार मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और अच्छा मोटिवेट हूँ और अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँ। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।